कोरोना महामारी के कारण लंबे इंतजार के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालय फाइनल ईयर की बची हुई वार्षिक परीक्षाएं बुधवार से सोशल डिस्टेंसिंग के बीच शुरू हुई। विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में सैनिटाइजर टनल से होकर विद्यार्थियों को प्रवेश मिला, साथ ही लाइन लगवाकर थर्मल स्कैनिंग कराई गई और हैंड सैनिटाइजर कराकर कक्षाओं में भेजा गया। परीक्षा के दौरान किसी भी परीक्षा केंद्र से नकल की सूचना नहीं मिली है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में दीक्षा भवन में परीक्षा केंद्र बनाया गया था, जहां करीब 500 विद्यार्थियों ने परीक्षाएं दी। सभी विद्यार्थी परीक्षा समय सुबह 9 बजे से करीब एक घंटे पहले ही पहुंच गए थे। उन्हें लाइन में लगवाया गया और दो सैनिटाइजर टनल के बीच से गुजारा गया। इस संबंध में मुख्य नियंत्रक प्रोफेसर प्रदीप यादव ने बताया कि बहुत ही अच्छे तरीके से परीक्षा संपन्न हो रही है। विद्यार्थियों ने भी परीक्षा में बहुत ही सहयोग किया। उन्होंने बताया कि सभी छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उन्हें कक्षाओं में भेजा गया। परीक्षा समाप्त होने के बाद भी परीक्षार्थी को थोड़ी देर रोक रोक कर बाहर निकाला गया, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग कायम रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए फाइनल ईयर के परीक्षार्थियों और मुख्य नियंता प्रोफेसर प्रदीप यादव ने कहा, हाँ उतर क्या शिवानी चौधरी। आज प्राचीन इतिहास का पेपर था और यहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। सैनिटाइजर का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी प्रयोग था। बच्चे मतलब अच्छे रो में बैठे हुए थे, एक 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 करके बैठे थे, एक सीट पे दो और एक पे एक, ऐसे करके बच्चे बैठे हुए थे। कितने दिन बाद पेपर हुआ, आप लोगों का कैसा हुआ? पेपर बहुत अच्छा था। पेपर लगभग तीन, और जब से लॉकडाउन के बाद ही बंद हो गया था, 8 महीना हो गया। अंजलि, पेशेंट ही सेकंड एग्जाम था हम लोग का, फर्स्ट हो चुका था पहले ही, बट सेकंड आज था। कितने दिनों बाद एग्जाम दिया आप लोगों ने, कैसा हुआ? एग्जाम तो अच्छा हुआ है, अप्रैल का दिए हुए थे, मार्च का दिए हैं डायरेक्ट, अच्छा ही गया। क्या किस तरह की व्यवस्था की गई थी कोविड को लेकर? पूरी व्यवस्था की गई थी, क्लासेस में भी एकदम अलग अलग बैठाया गया था, दूर दूर ही बैठाया गया था। सारी व्यवस्था, सारे बच्चे मास्क में ही थे, सर लोग भी मास्क में ही थे, सारी व्यवस्था अच्छी की गई थी। आंसर हिस्ट्री का एग्जाम था और सही हुआ, अच्छा पेपर भी आया था। कितने दिनों बाद एग्जाम हुआ? अरे पेपर तो हम लोग का वही 18 मार्च को था, तो तब से वही पोस्टपोन होता गया, तो आज हुआ है। अंदर आप लोगों को आज कोविड से देखते हुए क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई? अभी तो फिलहाल जाते टाइम यहाँ पे व्यवस्था थी सैनिटाइजर के लिए, अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी व्यवस्था थी। आज किसी कोई बच्चा कहीं कोई शिकायत नहीं होगा, क्योंकि सारे बच्चों को हम लोगों ने विधता सबको सारी सुविधा देते हुए सैनिटाइज करते हुए टनल से गुजारते हुए अंदर जाने दिया है। उनका टेम्परेचर चेक किया गया, एक बच्चा कोरोना पीड़ित आने की सूचना थी लेकिन वो आया नहीं, और बच्चों को यक्ष के आकार में बैठाया गया था, जिससे कि कोई बच्चा किसी के संपर्क में ना रहे। तो कितने बच्चे परीक्षा दिया है?
आज कुल 600 बच्चों ने परीक्षा दी। तो कितने दिन स्थगित होने वाली परीक्षाएं? आज ये परीक्षाएं जो है 30 अगस्त तक चलेंगी।